स्पीकिंग टिकटॉक पे काफी जो ब्लैक मनी वाइट कर रहे हैं लोग, उन्होंने डील सेट की है कितने परसेंट तुम रखना, हम तुम्हें इतना फाइट करेंगे। उसने कहा था मैं मंथ का तुम्हें लिटरली कोई उसने बोले थे 3 मिलियन कॉइंस, तो कितने बनते होंगे वो मुझे नहीं पता, बताओ। $15,000 मारूंगा और उसमें से तुम मुझे जो है तुम अपने 20% रखना, बाकी मुझे दे देना, लेकिन मैं मंथ के तुम्हें इतने मारूंगा ही मारूंगा हर हाल में। और मैंने कहा था ब्रो आप नहीं, और मैंने वैसे भी कहा था, मैंने मुझे कहा था कि नहीं करना, तो मैंने नहीं किया। दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लाइव टिकटॉक स्कैम्स के बारे में। अभी जो टिकटॉकर्स सीट से उछल उछल कर एक दूसरे को पाड़ रहे होते हैं और 3-3 करोड़ रुपये की इनको गिफ्टिंग हो रही होती है, ये ब्लैक मनी वाइट कैसे करते हैं, और कुछ अकाउंट आपने देखा होगा रिसेंटली उड़ा भी दिए गए, उनको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े अकाउंट थे, उनकी मनी ट्रेल नहीं मिल रही थी। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। जी तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो बछड़े के पुजारियों से पंगा ले रहे हैं ये टिकटॉकर्स, क्योंकि आपको पता है कि सारी दुनिया के अंदर ये जो बछड़े के पुजारी हैं वो अपना फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इनके बकौल वो नंगा होना पसंद कर लेते हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ करे वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उस बंदे को वो छोड़ते नहीं हैं। दोस्तों ये जो इन्फ्लुएंसर्स आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप भी आएँ और बैठ कर लाखों रुपये कमाएँ, वहाँ से 3-3 करोड़ रुपये की डील्स जो आपको दिखा रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने बुक की और कैसे गिफ्टिंग हो रही होती है, ये सब प्री प्लान्ड और फिक्स्ड होता है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कार्डिंग का भी पता होना चाहिए। एक लाइव एग्जांपल जो कि यूएस के अंदर एक केस हुआ, एक शख्स जो कि रात को सोने लगा और उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से $500 डिडक्ट कर लिए गए हैं। वो बहुत परेशान होता है और अपने बैंक को फ़ोन करता है कि मैंने तो इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, तो फिर ये कौन शख्स जो है मेरे अकाउंट से पैसे चुरा कर ले गया है। और जब ये मामला इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता लगता है कि ये शख्स मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाता था जो कि अडल्ट वेबसाइट हुआ करती थी, और वहाँ पर जाकर प्राइवेट शोज़ बुक करता था। अब इस तरह की वेबसाइट पर बैठी हुई जो अडल्ट स्टार्स हैं वो इनको कहती हैं कि अगर आप हमसे प्राइवेटली बात करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट कीजिए और वो जो है फिर आप प्राइवेट रूम्स में आ जाइए। अब इस शख्स ने अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पर लगाया जो कि एक फ़िशिंग वेबसाइट थी, और वहाँ पर इसका डाटा जो था वो क्रेडिट कार्ड का वो सारा लीक होकर डार्क वेब के ऊपर सेल हो रहा था। इसका जो क्रेडिट कार्ड नंबर था वो टिकटॉक क्वाइंस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। वहाँ पर इस तरह की ऑफर्स दी जाती हैं कि अगर आप लेट्स सपोज 17,000 क्वाइंस लेने हैं आपने, तो वो सिर्फ $100 में आपको मिल जाएंगे, या $50 की ऑफर लगा दी जाती है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर होती है। और कोई भी शख्स इस तरह की ऑफर को अवेल करना चाहता है, स्पेशली जो ब्लैक हैट वाले हैं वो तो इस तरह की ऑफर्स को छोड़ते ही नहीं हैं। अब हम बात करते हैं टिकटॉक लाइव गिफ्टर्स के बारे में। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ये जो सोसाइटी के मालिक हैं, ये जो गिफ्टर बने फिरते हैं, ये कभी भी अपनी रियल आईडी से उस तरह से गिफ्टिंग नहीं करते हैं। जो बड़ी गिफ्टिंग कर रहे होते हैं कभी कभी अपने रियल आईडी से भी कर देते हैं, लेकिन ये जो गिफ्टिंग कर रहे होते हैं ये रियल आईडी से इसलिए नहीं करते हैं ताकि उनको ट्रैक ना किया जा सके, क्योंकि उनका ब्लैक मनी जो है वो इसी तरह से वाइट होता है। अब इसी तरह से ये जो सोसाइटीज़ के मालिक हैं ये उन टिकटॉकर्स के साथ भी एक डील कर लेते हैं कि अगर आपको शेयर मारा जा रहा है तो उसके अंदर से 20% हमारा होगा, बाकी जो है वो आपका कट किस तरह से है टिकटॉक के साथ वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन 20% जो है उसके अंदर से हमारा हिस्सा होगा और बाकी जो है वो रेवेन्यू आपका होगा। अब ये जो कुछ गिफ्टर्स हैं, आपको इनके बारे में बताता चलूँ कि इनके पास तो पूरी लीगल टीम्स हैं, इनके पास पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं जो कि बताते रहते हैं कि आपने ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना है। अब ब्लैक हैट वालों के बारे में भी बताता चलूँ कि ये डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकते हैं, इनको एक दरमियान में मीडियम चाहिए है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट बैंक लगा देंगे फिर तो ये ट्रैक हो जाएंगे, और आपको भी पता है कि ये टिकटॉक लाइव से बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब यूसुफ के अकाउंट के बारे में बात करते चलें तो पिछले दिनों यूसुफ का अकाउंट भी बैन हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि जो गिफ्टर्स थे उनकी मनी ट्रेल नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से उसका अकाउंट भी उड़ा दिया गया। गाइस जितने भी लोग कल से सवाल पूछ रहे कि भाई यूसुफ को जो पहले दो अकाउंट बैन हुए थे उसके बाद जो तीसरा अकाउंट बैन हुआ इसका रीजन क्या है, लेट मी क्लियर, मैंने खुद ऑफिशियल से बात की है। तो यूसुफ के पहले दो अकाउंट बैन हुए, एक 1.5 मिलियन वाला या 2 मिलियन वाला, उस दो अकाउंट का बैन का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि वो उसके सारे अकाउंट चले गए कंप्लायंस में। आपका अकाउंट कंप्लायंस में तब जाता है जब उनको आपके अकाउंट पर डाउट होता है कि आपको जो गिफ्टिंग हुई है वो उनका परचेस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो वो लोग इस चीज में डाउटफुल में रहते हैं, तो इसलिए वो आपका अकाउंट कंप्लायंस में भेजते हैं और आपको फॉर वाइल बैन करते हैं कि आप तब तक होस्टिंग नहीं कर सकते जब तक हमें इन कॉइंस का वेरिफिकेशन मिले कि कॉइंस कैसे परचेज हुए, जब उनको डाउट होता है। तो अब हम सिर्फ यूसुफ की ही बात नहीं कर रहे हैं बल्कि तमाम बड़े टिकटॉकर्स की बात कर रहे हैं जो कि इस स्कैम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो गिफ्टर के साथ मिले होते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जब रंदा फिरेगा तो गिफ्टर्स को रंदा नहीं फिरेगा, बल्कि जो टिकटॉक लाइव कर रहा है और जो मेन टिकटॉकर है उसको रंदा फिरेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट उसका लगा हुआ है। और अक्सर मुल्कों में टिकटॉक इसी वजह से बैन कर दी जाती है क्योंकि वहाँ पर मनी ट्रेल के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और लोग जो हैं इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत से टिकटॉकर्स बैरून मुल्क बैठकर ये बात सोचते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा, हम तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं,
आपको ये बात बताता चलूं कि अरबे भी उसी तरह से यूएस से डरते हैं और वो इंटरपोल के हवाले आपको उसी तरह से करेंगे अगर आप इस तरह के स्कैम्स में मुलविस होंगे, और एक मिनट नहीं लगेगा वो आपको यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि यंगस्टर तक आगाही फराहम की जा सके कि अगर आप टिकटॉक लाइव कर रहे हैं और आपको मैसेज आता है एक दिन कि आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप ये कीजिए कि हमसे जो है वो एग्रीमेंट कर लीजिए कि 20 लाख के एवज जो है हम आपको, लेट सपोज 3 करोड़ की डील करते हैं आप, या आपको जो है मंथली इतने कॉइन्स मिल जाया करेंगे। तो आप इस तरह की किसी भी स्कैम में मुलविस मत होइएगा। आप यकीन जानिए कि उन गिफ्टर्स का तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।